तो गाइस अभी जा रहे हैं हम कोर्ट गाड़ी लेने, देखते हैं क्या हुआ, कल तक पता लगेगा या शाम। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। अभी की इस वीडियो में बात करने वाले हैं गौरव जोन के बारे में। दोस्तों दो तीन दिन पहले गौरव जोन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जब वो हरियाणा गए हुए थे तो वहाँ पे वो रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहे थे, जिसके कारण ट्रैफिक पुलिस ने उनको रोका था। एंड दोस्तों जहाँ पे उनका चालान 5,000 का होना चाहिए था, ट्रैफिक पुलिस ने उनको 27,500 का चालान दे दिया, जिसके बाद गौरव जोन ने इसका पूरा स्टोरी शेयर किया था। एंड दोस्तों गौरव जोन ने उस टाइम लोगों से पूछा था कि क्या उनको ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि हाँ आपको एक्शन लेना चाहिए। एंड दोस्तों आज फाइनली गौरव जोन ने उसका पूरा वीडियो शेयर किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें उन्होंने दिखाया कैसे ट्रैफिक पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की। तो उसका क्लिप आप लोग यहाँ पे देख लो। गाइस यहाँ पे पकड़ लिया है, अब हम तो खैर फंस गए बट ये चौका है सेवा सुरक्षा सहयोग, बट सेवा भी नहीं हो रही, सुरक्षा भी नहीं हो रही। तो भाई यहाँ कह रहे थे पेपर की नहीं है, पेपर दिखाई हो रहे आकाश, दिखाई है चालान, दिखाई हो वो दिखाई हो। तो ये आकाश का क्या ये ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये आकाश का ड्राइविंग लाइसेंस सब देखना, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और आपसे दोनों दिखा दे देते हैं आप इसको सीज करने के लिए, गाड़ी सीज ना होती है, हम दे नहीं रहते, दे देते हैं, सब रिकॉर्डेड है सर। देखा अभी वो मैं क्लिप पहले चला दी है जिसमें हम बोल रहे थे कि देर ले लो, इन्होंने कहा भाई ऑनलाइन नहीं होता, वो तो सब रिकॉर्डेड है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आरसी की, आरसी भी दिखाता हूँ कि आरसी भी दी है, आप दिखा लो जो दिखाना है। ठीक है सर जी, हाँ जी हाँ जी, ले लें आकाश, चलो सर थैंक यू सो मच, सामान है उसे निकाल लेना। ठीक है कोई ना, सर का नाम देख लो, कोई नहीं एस सी राजवीर नाम है सर का, हाँ जी बिल्कुल नाम है राजवीर नाम है। सर ने हमें बोला कि मेरे को नहीं पता आई टी एक्ट 2000, अरे सब रिकॉर्ड कर रहा था मैं इतनी देर से, मैं इसलिए चुप था, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं, हमें प्रोविजन नहीं पता, ठीक लगी हाँ डिजी लॉकर में सब है, इन्होंने बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को नंबर प्लेट देख नहीं। देखो भाई कैसे व्यवहार करते हैं, मैं कह रहा था सर मानता हूँ मैं गलती होगी मेरे से, हम चालान दे रहे हैं, इन्होंने भाई हम डॉक्यूमेंट भी नहीं देखे, मोदी साहब जी से रिक्वेस्ट है भाई, मोदी साहब जी डिजी लॉकर क्यों बनवाया आपने, एक्शन लेना चाहिए, मतलब यार ऐसे पुलिस ऑफिसर हमें डिजी लॉकर क्यों है, हम प्रॉपर फाइन देने को तैयार थे, हम सारे डॉक्यूमेंट आरसीबी दिखाऊंगा अभी आपको, ये कहते हैं हरियाणा में कोई प्रोविजन नहीं चलता, दिल्ली में चलता हूँ, ये देखो भाई आरसी सारी एरी पुलिस कंप्लेंट, ये देखो भाई आरसी एरी, ठीक है भाई तब भी ये इन्होंने चालान कराया, कोई बात नहीं, कोई ना ये कोर्ट में दिखाएंगे ना ब्रो, कोर्ट में दिखाएंगे, बट ये खराब बात है, हमें पुलिस कंप्लेंट तो करनी चाहिए, करते हैं चलते हैं अभी चलते हैं भाई, खाली होगी गाड़ी, हाँ जी सर खाली होगी जी, अब ये वीडियो कोर्ट में दिखा देंगे ना सर, वो दूसरे सर का क्या नाम था जो कह रहे थे मेरे को, अंदर बैठे हैं आपको नाम नहीं पता, रसीद पे लिखा है भाई, चल छोड़ ना यार, इसमें हमारी रिसीप्ट में लिखा है ड्राइविंग विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, जब हमने कोई बात नहीं छोड़ जा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे गौरव जोन के पास सारा पेपर होते हुए भी ट्रैफिक पुलिस उनकी बात नहीं मान रहा था, एंड गौरव जोन ने अपना लाइसेंस भी डिजी लॉकर ऐप से दिखा दिया था, फिर भी वह ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं मान रहा था। एंड दोस्तों आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने यह लीगल कर दिया कि आप चाहें तो अपना डॉक्यूमेंट अपने डिजी लॉकर ऐप से दिखा सकते हैं, ड्राइवर को अपनी लाइसेंस ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी दोस्तों वह ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं मान रहा था। एंड दोस्तों फाइनली गौरव जोन ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया है, अभी वह कोर्ट में इसके खिलाफ लड़ रहा है, जिसका अपडेट उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से दिया था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, गौरव जोन ने एक्शन लेकर के सही किया या गलत किया, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। एंड दोस्तों आगे जैसे ही इस पे कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा।